गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। डटे रहो जंग मैदान में। आज आप लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे सवाल जिसको आप खुद से कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, तो आपको भी कोशिश करना है और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है। सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न हम आपको देंगे। इनको आप जल्दी जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए और कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं। डीएलएड का बैनर और पोस्टर लगा है, लेकिन ये क्लास एसएससी, आरआरबी, टेट, सीटेट, टेंथ, ट्वेल्थ सब के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिनको भी मैथ में बेसिक सीखना है। तो जल्दी करिए, दो सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल हम आपके सामने रखेंगे, हो गया ना इतना, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो पहले सवाल पर आधारित एक सवाल और लिख लेना इसी में, इसको आप लोग नोट करना जल्दी से। ये 64 की जगह पर मैं बदल दे रहा हूँ, वो 120 हो गया है, तो उनका महत्तम समापवर्तक जो 2 था ना, इसको हमने 10 कर दिया। वीडियो को पीछे कर लेना अगर पिछला सवाल देखना है तो। अब इस तरह से ये दूसरा था, ये कौन सा सवाल बन गया, ये बन गया तीसरा। क्लियर, इतना बात समझ में आई ना, ये तीसरा सवाल बन गया। अब ये हो गया ना दूसरा, अब ये चौथा सवाल बन गया। कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना। इसमें हम कुछ करने वाले हैं गड़बड़। वो क्या है, एलसीएम था ना, इसका एचसीएफ बताना। क्या बताना, एचसीएफ। देखो चार सवाल होंगे, अगर एकदम ध्यान से क्लियरिटी देखोगे तब समझ में आएगा, वरना हम ऐसे ऐसे कुछ इसमें कर देंगे ना कि आप जान ना पाओगे क्या हो रहा है। इसके आगे देखना, अगला सवाल, दशमलव का हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ बता दिया है, सीधी सीधी नंबर का भी एलसीएम एचसीएफ बता दिया है, तो इनको सभी को आप क्या करोगे, हल करोगे ना। हाँ बिल्कुल करोगे, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या। एक मिनट, अगला सवाल नोट करो फट से। 3, 4, 6, 10 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ क्या है। 3, 4, 6, 10 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ, दोनों बताना। क्वेश्चन नंबर छठा, देखिए कम से कम 50 सवाल देंगे। 4.2, 1.2 एंड 1.8 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ और एलसीएम दोनों करना, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो कमेंट करना और उसको देख लेना, नंबर ऊपर दिया गया, संपर्क करना। 7वां सवाल लिखिए, 2 की घात 7, 2 की घात 5 और 1 है 2 की घाते 2 का एचसीएफ बताओ। इनको अगर आप हल करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। स्क्रीनशॉट जो लोग लेना जानते हैं वो फटाफट करते रहें, चूँकि हम सामने से हटते जाते हैं। ये लैपटॉप का जो टेंशन है स्क्रीन का ना, मैं उसको हटा दिया हूँ। ओके, दिखने लगता है ना उसमें, ये गड़बड़ है। ओके, नॉट प्रॉब्लम, नेक्स्ट सवाल पे चलो। 7वां तक हो गया ना, अब मैं ऊपर मिटाने वाला हूँ। याद रखिए डीएलएड की क्लास का जो समय है उसको हमने ये कोशिश किया है, आप लोगों से एक फीडबैक लिया है कि इसको 4 बजे एवं 4:30 बजे सुबह हो रही है, क्या इसको सुबह 6 एवं 6:30 बजे से कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। कमेंट करके बताना अपने विचारों को। हाँ थोड़ा बड़ा नंबर लिख लो, ये 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है, 1/2 + 1/4 1/5 + 1/9 का योगफल बताओ। हो सकता है इस टाइप का सवाल अभी ना हुआ हो, तो टेंशन मत लेना। 9वां नंबर, भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10, 15, 25 और 48 के भाग विधि द्वारा, अभी मैं हटूंगा आगे से, भाग विधि द्वारा क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, गुणनखंड। देखिए मैं आगे से हटता रहूँगा टाइम टाइम पर, टेंशन मत लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जैसे मैं हटूँ आगे से। नेक्स्ट सवाल लिखना, अगला सवाल नंबर 10,
सवाल नंबर 10, अपवर्तक जानते हो ना, बताया था इसके बारे में, समापवर्त तथा समापवर्तक किसे कहते हैं? अपवर्तक, समापवर्त तथा समापवर्तक किसे कहते हैं? हो गया ना, ये 10 सवाल हो गए और ये टाइम हो चुका आपका 5 मिनट। तो 5 मिनट में 10 सवाल ना, अभी बहुत कम है, फटाफट चल रहो, फास्ट, गो फास्ट, है ना। देखो वो डस्टर से बहुत मज़ा नहीं आ रही थी मिटाने में और बड़ा खर्चीला आ रहा था वो, इसलिए हमने उसको बदल दिया। आप चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, 9 के अपवर्तक बताइए, बताइए लिखा है, टेंशन मत लीजिएगा। 12, 19, 17, 31 तथा 49 में भाज्य संख्या बताओ। देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ सिलेबस हो देखने दो, नहीं कुछ ऊपर से उड़ जाए। हाँ, ये कह रहा है, उभयनिष्ठ गुणनफल से क्या अभिप्राय है? मतलब उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब कामन होता है, उभयनिष्ठ गुणनफल से क्या अभिप्राय है? उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, कॉमन हर कोई जानता है इंग्लिश वर्ड, बट अगर उभयनिष्ठ बोल दें तो बड़ी हैरानी होने लगती है, मालूम नहीं कहाँ है उभयनिष्ठ। और जो लोग ये सवाल नहीं करेंगे अपने आप को बहुत वीर समझेंगे ना, वो लाइफ में हमें नहीं लगता कि वो मैथ में आगे बढ़ पाएंगे, बाकी हम आगे नहीं बोलेंगे, ठीक ना। हाँ, इसलिए बेईमानी करके आप खुद को महान मत समझिए। का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। हो गया 14 नंबर, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम लोग, क्लियर है ना इतना? ठीक है, नंबर 15 लिखो, 15 नंबर, 8/9, 1/3, 1/7, 1/2 का योग अंतर गुणनफल तथा भागफल बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या आता है? 16 आता है ना, ओके। हाँ, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की विधियाँ बताइए। एलसीएम निकालने की विधि उदाहरण सहित बताओ, उदाहरण सहित बताइए। नोट करते जाइए, हम सवाल लिखने के तुरंत बाद हटेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, ओके, क्लियर। सब्र का फल मीठा होता है ना, चलिए, ओके। तो ये 16 सवाल हो चुके हैं आपके सामने, फटाफट नोट करते जाइए। जो लोग नोट करना चाहते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को आगे पीछे करके और अपना काम चला लें फटाफट। फटाफट का मतलब जानते हो, फास्ट। देखो ये आवाज़ भी कर रहा है। चलो
चलिए आगे। नेक्स्ट सवाल, भाग विधि से 5, 15, 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ। हाँ भाग विधि से 5, 15, 20, 25 का एलसीएम बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, सही है कि गलत है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है? का होता है? पहला ऑप्शन परिमेय, दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिश करते रहना, बेसिक मैथ जिन लोगों ने देखा है वो बिल्कुल वीर की तरह हल करते चले जाएंगे, ये कभी नहीं छोड़ना है, एकदम बेसिक है। और हाँ, इसमें बेसिक में ही दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ और भी दिमाग लगेगा एक्स्ट्रा कहीं कहीं। का मान बताइए, बिल्कुल इज्जत और सम्मान के साथ बताइए। हो गया ना इतना? कुछ लोग बहुत समझदार बन रहे होंगे, वो इन वीडियो को नहीं देखेंगे, कहेंगे वह फालतू का क्वेश्चन दिए होंगे, कहाँ देखें इसको। तो वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, आप उनकी तुलना खुद से मत करिए, आप लिखिए और इसको हल करके आजमाइए खुद को, जो ना आए उसे अगली क्लास में पूछिए, और अगर क्लास को नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ साथ आप अपने कर्तव्य का भी पालन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 20 नंबर, भाज्य अभाज्य तथा पूर्णांक संख्या की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। ठीक ना? क्लियर है बात ना? एकदम बात पक्की है? ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से नोट कर लो, फट से छाप लो बिना देर करे हुए। ओके, ऑल डन। और हाँ, जो लोग इस सवालों में फंसते हैं, कोई प्रकार की समस्या होती है, वो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बात को भी स्पष्ट रूप से सुन लें। देखिए मित्रों, व्हाट्सएप नंबर तो नोट कर लीजिए, अच्छी बात है। इसके लिए आप इन सवालों को पूछ सकते हैं, 549 रुपये का पे करके आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा, फिर आपको डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट गणित मिलेगी घर बैठे, और उम्मीद करिए कि आप 25 में 25 नंबर डीएलएड में हासिल करेंगे, जैसे विगत वर्षों में हमारे पीवीआर स्टडी के स्टूडेंट ने हासिल किया है। तो ज्वाइन करिए, सवाल पूछते रहिए, अपना मैथ का टॉपिक हम आपको एकदम घोल के पिला देंगे, इतना उम्मीद रखिए, और उम्मीद से बढ़कर कुछ होता नहीं है। आपने सुना होगा उन लाइनों को ना, उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते, और जो रखते हैं दिल में तड़प कुछ कर दिखाने का, वो दिन में क्या रातों को भी सोया नहीं करते। लेकिन आप ऐसा मत करना, नहीं पागल हो जाओगे। इसका तात्पर्य ये है कि आलस से नहीं करते, ये नहीं कि आप दिन रात कभी मत सो। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इन्हीं बातों के साथ। शुक्रिया आप सभी को, इस क्लास को दोस्तों में शेयर करके जाइएगा, और फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका अपना पीवीआर स्टडी के साथ बने रहे। थैंक यू।